औरों के ख्यालात की भी लेते हैं तलाशी और खुद के गिरेबा में झांका भी नहीं जाता। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केत की। ये हालत है राजनीति की। हर पार्टी सामने वाली पार्टी के लिए दागदार होती है और जो पार्टी इल्ज़ाम लगाती है वो बेदाग होती है, और ये हाल हर पार्टी का है। लेकिन फिर भी चुनाव का समय है तो नेता आएंगे आपके यहाँ और वोट भी मांगेंगे। इस वक्त मौजूद हूँ धनबाद के डीसी ऑफिस के बाहर। प्रत्याशी नामांकन करके बाहर आ रहे हैं और आज यहाँ पर एक ऐसे ही नेता हमारे साथ हैं, इस्लाम अंसारी जी हैं, JBK से संजय मेहता जी वाली पार्टी के यहाँ के नेता हैं। अब बात करूँगी उनसे, क्या है आगे की स्ट्रैटेजी और कहाँ से लड़ने वाले हैं चुनाव। जोहार सर। जोहार जोहार। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, किस विधानसभा से नॉमिनेशन आपने? मैं निरसा विधानसभा से। निरसा से जी। पहले ये बताइएगा कि वहाँ किससे टक्कर है? वहाँ टक्कर हम तो यही बोलेंगे कि अभी वो यूथ में सबसे, अगर यूथ कोई खड़ा है तो हम ही खड़ा है, तो वहाँ पर कोई टक्कर मेरे से कोई किसी का टक्कर नहीं है। टक्कर नहीं है? नहीं। अच्छा, आप निरसा के ही रहने वाले हैं? जी जी, हम निरसा का बेटा हैं। आपने देखा होगा अपर्णा सेन गुप्ता जी, राजनीति में उनकी वहाँ पे लेगेसी रही है, काफ़ी समय से उनका रहा है, बड़े भी हुए होंगे आप उनको देखकर। क्या लगता है, काम किया है उन्होंने अपने कार्यकाल में, मौका देगी इस बार जनता उनको? देखिए, आप जैसे अपर्णा के बारे में बताएं तो वो 2005 में विधानसभा जीत कर विधानसभा गई थी जी जी। लेकिन उसका बाद उसका क्या हालत हुआ था सब कोई जानते हैं, अपर्णा सेन गुप्ता का। लेकिन उसका फिर दोबारा जब BJP ज्वाइन कर लिए, तो BJP ज्वाइन करने के बाद जो हवा होता है मोदी लहर, उस हवा में वो निकल गई फिर से। और वहाँ से अगर किसी और प्रत्याशी की बात करेंगे तो 3 बार अरूप चटर्जी वहाँ रह चुके हैं, जिनका भी अस्तित्व लोकसभा में हम लोग देख लिए हैं कि लोकसभा में निरसा विधानसभा क्षेत्र से उसका जो पार्टी पूर्व में रहा करते थे मासस को, बहुत कम वोट आया था, तो वो भी अपना मौजूद को बचाने के लिए अब माले में चल गया ताकि इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करे और उनका फिर से वो विधानसभा जा सके कोशिश में। लेकिन ये दोनों का ही हम बोले बेकार होगा, क्योंकि अब पूरा झारखंड का यूथ जो है, यूथ पावर जो है, सब समझ गया है कि अब कोई भी जो पूरा जो एजेड नेता है, इन लोग यूथ के लिए कुछ करेंगे नहीं। तो यूथ के लिए आगे यूथ को ही बढ़ना है, और हमारे संजय मेहता जी का विचार भी है कि यूथ को आगे बढ़ाने के लिए, यूथ को इसीलिए हर जगह से हम लोग यूथ लड़ रहे हैं लगभग। JBKSS की बात हो, JLKM की बात ना हो, थोड़ी बेईमानी है। JLKM के भी वहाँ से प्रत्याशी आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे, अशोक मंडल की, पहले किसी और का नाम था, अंत समय में बदल दिया गया। क्या कहेंगे, मतलब एज अ कैंडिडेट सामने वो आपके सामने खड़े हैं, कैसे लड़ाई होगी वहाँ पर? देखिए, जयराम जी हमेशा यूथ के लिए बात करते हैं और संजय मेहता जी भी यूथ की बात करते हैं। जयराम जी एक बात आप लोग देखते हैं, जनता देखते हैं कि वो कहते हैं, जैसे जिसका थोड़ा 2-3 बार विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, तो उनसे वो रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप लोग छोड़ दीजिए ना, अब यूथ का आगे बढ़ने दीजिए ना, ये कहते हैं। लेकिन इतना उनका भी विचार भी ये है, और उसके बावजूद और एक बार हमारे निरसा विधानसभा में जब आए थे जयराम जी, तो वो खुद कह रहे थे कि निरसा में AAA नहीं चलेगा, अरूप अशोक या अपना नहीं चलेगा, और उसके बावजूद आज क्या ऐसे बात आ गई, क्या ऐसे मजबूरी आ गए कि AAA, आप AAA के अगेंस्ट में थे और वही AAA के आप टिकट दे रहे हैं। हालांकि जिसको टिकट जिसका काटा पहले दिया था, वो भी ए में ही आता है, वो भी अश्विनी केतरपाल, हमारे बावरी समाज के बहुत विख्यात नेता, उनके बेटा थे, लेकिन उसका टिकट काट दे, पता नहीं अब उनके पार्टी वो जानते हैं क्यों काटे हैं। लेकिन वो यूथ था, ग्रामीण इलाका से बिलोंग करने वाला था, और मैं भी एक गांव में रहने वाला लड़का, छोटा सा गांव में रहने वाला लड़का हूं, और मेरा क्षेत्र का जितना भी बाकी नेता है बड़ा बड़ा, जो आप लोग न्यूज वाला मानते हैं कि दिग्गज है, हम लोग नहीं मानते, मगर जनता दिग्गज अब उन लोग का नहीं मानते हैं, सब निरसा बाजार से आते हैं। तो हम अपना क्षेत्र से बोलेंगे कि एक बार गांव के बेटा को देखिए और नेता नहीं बेटा चुनिए। अच्छा, चलिए, बात तो आपने अच्छी कही है। अशोक मंडल जी को आप कितने दिनों से जानते हैं और वहाँ पर उनका कैसा क्रेज है? देखिए, अशोक मंडल को अगर बोलिएगा तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम लोग दोनों एक ही पार्टी में रहा करते, पूर्व में JMM में हम भी रहा करते थे। अच्छा, ठीक है। तो उनका बारे में तो जानते हैं, लेकिन वो हमेशा 3 नंबर में रहते थे, JMM का जो रूलिंग पार्टी था, वो सरकार भी बनाया था जो में, उसके बावजूद वो 3 नंबर में थे। अच्छा, तो इस बार क्या? इस बार पता नहीं कितने नंबर पर जाएंगे, वो वही जानते हैं। इतना तो जानते हैं कि हमसे नीचे ही रहेंगे, आपसे नीचे जी, रहेंगे। जी, जी। अच्छा, जयराम महतो की पार्टी पे आरोप लग रहे हैं टिकट बेचने के, और JMM के कई सारे प्रत्याशी जो हैं उनके लिए दूसरा घर बन गया, वहाँ से निकलिए, यहाँ टिकट लीजिए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो तो नेता राजनीति में दल बदल का तो काम होते रहता है, बहुत सारे अब पूरा
झारखंड में देखिएगा कि गणेश महली जी जैसे लुईस मरांडी जैसे बीजेपी का नेता जेएमएम में आया, जेएमएम का कुछ नेता बीजेपी में गया, तो अदल बदल होते रहता है राजनीति में। और टिकट बात रहा, टिकट बेचने का बात, तो ये जयराम का पार्टी से हम तो नहीं है, तो हम इस बारे में कुछ नहीं कहता, उसके पार्टी का सुपने जाने, पार्टी का कार्यकर्ता जाने। खबर ये सब पहुँच रही है जी, न्यूज में तो देखते हैं, उसका थोड़ा बहुत देखने का हो अल्लाह होता है, तो युद्ध का मुंह से सुन तो भी है। हाँ, संजय मेहता जी आएंगे आपका प्रचार करने? जी जी आएंगे, आएंगे, आएंगे जी। चलिए तो हमको बता दीजिएगा, बिल्कुल बात करनी। जी 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 बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो ये तस्वीरें हैं डीसी ऑफिस के बाहर की, और प्रत्याशियों का यहाँ पर आने जाने का सिलसिला लगा हुआ है। नामांकन फाइल करने के लिए आ रहे हैं प्रत्याशी, उसके बाद समर्थकों संग लौट रहे हैं। अगर प्रत्याशी पहचानना हो तो माले वाले बंदे को गौर से देख लीजिएगा, वही प्रत्याशी होंगे। आज यही परिचय है प्रत्याशियों की। तो इस बार वोटिंग का दिन 13 और 20 नवंबर, मतदान जरूर करें ताकि 23 नवंबर को आप झारखंड को अच्छे और समझदार हाथों में सौंपें।